नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शशांक लखेरा और हाल ही में आपने न्यूज़ सुन ली होगी कि जापान भारत को देगा 225 बिलियन येन का लोन। अब इस अमाउंट को बहुत अच्छे से सुनो, 225 बिलियन येन। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में देखोगे तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है जापान लोन के तौर पर देने वाला है भारत को। इसके अलावा कुछ ग्रांट्स भी जो है प्रोवाइड करे जाएंगे भारत को। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रांट और लोन में क्या डिफरेंस होता है। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। यह आर्टिकल बिजनेस टुडे का है। जापान गिव्स इंडिया 225 बिलियन येन लोन टू फंड मेट्रो एक्सपांशन, वाटर सप्लाई, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। जापान भारत में बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने वाला है। जापान भारत को बहुत ही बड़ा लोन देने वाला है, जो मेट्रो एक्सपांशन, वाटर सप्लाई, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट में जो है हमको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर सकते हो। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर साइन अप करना है। आपको यहाँ पे दो वीडियोस लेक्चर आप देख सकते हो, जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। उसके पहले एक बार मैप में देख लो। तो ये है एशिया का मैप और यहाँ पे आपको मिलेगा जापान और ये है भारत। भारत और जापान के बीच में आपको काफी सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है कल्चर जापान में भी फॉलो किया जाता है, भारत में भी फॉलो किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भारत से ही बुद्धिज्म जो है ट्रांसफर हुआ है जापान, और वाया चाइना, साउथ कोरिया होते हुए जापान ट्रांसफर हुआ है। जापान की आबादी की हम बात करें तो करीब 12 से 13 करोड़ की आबादी आपको देखने को मिलेगी। और जापान जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है भारत के लिए। जापान बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है भारत में, और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जापान बुलेट ट्रेन को भी जो है 70% फंडिंग कर रहा है। तो जो बुलेट ट्रेन भारत में बन रही है उसकी फंडिंग जो है जापान यहाँ पे कर रहा है अप्रॉक्स 70%। तो ये जो है एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट है भारत में। तो रिसेंटली जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जापान 225 बिलियन येन का लोन जो है देगा भारत को। उससे भारत के जो मेट्रो प्रोजेक्ट हैं उनको जो है एक्सपांड यहाँ पे किया जाएगा, जो दिल्ली बेंगलुरु में चल रहे हैं। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है उसको भी जो है यहाँ पे फाइनेंस मिलेगा। प्लस राजस्थान में जो वाटर सप्लाई है उन प्रोजेक्ट्स को भी जो है यहाँ पे काफी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा जापान प्रोवाइड करेगा 4 बिलियन येन का ग्रांट। अब ये ग्रांट क्या होता है तो सिंपली ये समझो, ग्रांट मतलब होता है एक गिफ्ट। 4 बिलियन जो है हमको चुकाने नहीं है, लेकिन बाकी जो लोन है 225 बिलियन का वो हमको जो है चुकाने हैं जापान को। और ये जो है 4 बिलियन येन का जो लोन दिया जाएगा, जो पावर सप्लाई सिचुएशन है अंडमान और निकोबार आइलैंड की, वहां पे जो है इसको पावर सप्लाई सिचुएशन के इंप्रूवमेंट के लिए जो है 4 बिलियन येन का ग्रांट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है जापान की तरफ से। दिल्ली मेट्रो की हम बात करें तो दिल्ली मेट्रो का जो है काम आपको हमेशा ही चलता नजर आएगा, और जितना जो है एक्सपांड हो रहा है आपको पता है दिल्ली एक मेट्रो सिटी है। ये जो पूरा लोन है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। कुछ पार्ट राजस्थान में इन्वेस्ट किया जाएगा, कुछ पार्ट दिल्ली में, कुछ पार्ट बेंगलुरु में, और कुछ पार्ट जो है हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की हम बात करें तो जो फेज 4 का एक्सटेंशन है, 12.5 किलोमीटर का जो मुकुंदपुर से मौजपुर लाइन है उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। प्लस 28.9 किलोमीटर का तो जनकपुरी वेस्ट आर के आश्रम लाइन है इसको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा 23.6 किलोमीटर का जो एरो सिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर है इसको यहाँ पे डेवलप किया जाना है। वहीं पे बेंगलुरु की हम बात करें तो बेंगलुरु का जो मेट्रो फेज 2 का प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया है उनको भी डेवलप किया जाएगा, जो रेजिडेंशियल एरिया है उनको भी डेवलप किया जाएगा। प्लस जो कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो इसको भी जो है यहाँ पे डेवलप किया जाना है। तो बेंगलुरु में जो मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको यहाँ पे फंड किया जाएगा। उसके अलावा राजस्थान की हम बात करें तो पहले एक चीज समझ लो, राजस्थान जो है इसकी रैंक आपको काफी खराब देखने को मिलेगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। 29th रैंक जो है आपको इंडियन स्टेट में देखने को मिलेगी। राजस्थान में सबसे ज्यादा दिक्कत है ड्रिंकिंग वाटर की। जी हाँ, राजस्थान में अगर आप सर्वे पढ़ोगे तो आपको जो है पता चलेगा कि करीब 260 डैम में से जो करीब 60 डैम है वो ही जो है सिर्फ यहाँ पे ऑपरेशनल है, बाकी जो डैम है वो यहाँ पे पूरे ड्राई हो चुके हैं। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है राजस्थान की। इस अमाउंट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा राजस्थान के जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। प्लस यहाँ पे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा जो 20,000 किलोमीटर का जो एरिया है जो झुंझुनू और बारमेर डिस्ट्रिक्ट के पास में ही आता है, वहां पे आपको बहुत ही बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो उसमें जो है फैसिलिटीज को जो है यहाँ पे जनरेट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको प्रमोट करने के लिए और सस्टेनेबल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए इस लोन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। मेजरली एक बहुत ही बड़ा रीजन है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का कि हमको फार्मर की इनकम इंप्रूव करना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट की जो लागत है वो आपको देखने को मिलेगी करीब 120 बिलियन येन के आसपास। वहीं पे 50 बिलियन येन का जो लोन है ये बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा जो 45 बिलियन येन का जो लोन है ये राजस्थान प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये जो पूरा अमाउंट है ये पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट में जो है खर्च किए जाएंगे 120 बिलियन येन,
वहीं पे बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे खर्च किए जाएंगे 50 बिलियन येन। वहीं पे अगर आप राजस्थान प्रोजेक्ट में देखोगे तो इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे 45 बिलियन येन। अब जो ग्रांट है, जो ग्रांट प्रोवाइड करेगा जापान, वो है करीब 4 बिलियन का। जी हाँ, जापान जो प्रोवाइड करने वाला है हमको 4 बिलियन का लोन, इसको इन्वेस्ट किया जाएगा अंडमान एंड निकोबार में। जी हाँ, अंडमान एंड निकोबार में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटीज है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, उतनी अच्छी जो है इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी वहां पे नहीं है। इसीलिए 15 मेगावाट जो बैटरीज हैं उनको प्रक्योर करने के लिए यहाँ पे ये लोन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है सोलर के थ्रू, उसके लिए भी जो है यहाँ पे इस लोन को जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो साउथ अंडमान और जो पोर्ट ब्लेयर का एरिया है उनमें इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। तो कमेंट जरूर करना कि जापान का ये स्टेप जो है इससे रिलेशन और मजबूत होंगे कि नहीं भारत और जापान के। तो ये था इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।